हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है हुआ है बेसिकली एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके आया है। तो क्या है कंटेक्स्ट, ये है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी है, उसने इंडिया के लिए 150 मिलियन डॉलर का, US डॉलर का जो लोन है वो अप्रूव है, वो किया है। तो देखो, हम जानते हैं कि किसके लिए तो एडीबी ने बेसिकली लोन है वो प्रोवाइड करने की बात की है, क्या क्या इसके फायदे होंगे और कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ इसको इन्वेस्ट है वो क्या जानना है। अब देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखनी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, थोड़ा नाम से ऐसे लगता है कि एशिया की कंट्री ही होगी ओनली, ऐसा नहीं है। एडीबी में एशिया की कंट्री के अलावा बाकी अदर कंट्रीज भी हैं जो इसके मेंबर है, पहली बात तो ये है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है इसके साथ, देखते हैं कि इसकी फीचर्स वगैरह क्या हैं। देखो, जो लोन प्रोवाइड की, लोन के लिए जो पैसा दिया गया है 150 मिलियन US डॉलर, ये बेसिकली दिया गया है मल्टी स्किल पार्क बनाने के लिए मध्य प्रदेश में। मतलब इंडिया के अंदर मल्टी स्किल एक पार्क है वो बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में लगभग एक साथ 20,000 जो लोग हैं इनको एक साथ स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखो, हमारे देश में आपको पता है कि यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, देखा जाए तो आज के टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंट हमारे देश का काफ़ी अच्छा खासा है। बट दिक्कत क्या है कि हमें जो स्किल है वो टाइम पे टाइम प्रोवाइड वो नहीं करवाई जा रही है। मतलब जैसी कंपनीज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्किल है वो नहीं दी जा रही है, और इसी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मतलब स्किल के सेक्टर में हमारे देश में काफ़ी कुछ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो स्किल हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग और क्वालिटी वाली एजुकेशन हो ताकि स्किल अच्छी मिल सके, और टेक्निकल और जो वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाएगी। देखो, टेक्निकल ट्रेनिंग तो मतलब क्या होगी कि जैसे कहीं भी एक तरीके से उन्होंने पहले थोड़ा डेम कोई भी ऐसी कंपनी वगैरह होगी, जैसे मान लो कि टाटा की कंपनी है ट्रक बनाने की, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा दी कि ये चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं, वो तो होगी टेक्निकल। वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जो 12th पास मतलब स्कूल का जो टाइम होता है इसके बाद ही उनको एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स या स्किल दी जाएं ताकि जो यूथ है वो उस टाइम पे अपना अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकें। जैसे कोई यूथ ऐसा है कि जो खुद सारा खर्चा वहन नहीं कर पा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की हेल्प से खुद भी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा और वहाँ पर ट्रेनिंग भी उसको दे दी जाएगी ताकि वो अपनी आमदनी या डेली का रोज खर्मा रहा है वो भी चला सकेगा। तो वो आ जाती है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसी के साथ ही जो मार्केट की इकोनॉमी है उसकी क्या क्या डिमांड है उसके मुताबिक स्किल है वो प्रोवाइड करवाने के लिए मल्टी स्किल जो पार्क है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाता है कि अभी एडीबी के द्वारा मल्टी स्किल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरा ये बन जाता है कि जो मल्टी स्किल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में वो बेसिकली किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को ऑप्शन दे दिया आपको, वर्ल्ड बैंक वहाँ पे ऑप्शन है वो मिल सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो अकेले एशिया के लिए नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया इसमें वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्रीज भी शामिल है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो भी एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। सारी कंट्रीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए। देखो, एशियन कंट्रीज तो हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी यहाँ पे शामिल है, इसके साथ यूरोप की कंट्रीज भी शामिल हैं इसके अंदर, टर्की भी शामिल है, और यहाँ पे देखा जाए तो साउथ अमेरिका में भी एक कंट्री शामिल है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए शामिल है, कनाडा शामिल है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अकेले इसके जो एक प्रोग्राम है इसका मतलब अकेला कहीं ना कहीं देखा जाए तो एशियन कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है। कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे बनाया गया था ताकि इसका थोड़ा फोकस है वो एशिया पे ज़्यादा रहे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का आरोप ये लग रहा था, वर्ल्ड बैंक के ऊपर एक्चुअली आरोप लगाया जा रहा था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है, इंडियन जो या आप बोल सकते हो कि एशियन कंट्रीज को वैल्यू कम दी जा रही थी। इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन है वो प्रोवाइड है वो करता है। और एक अहम बात यह है कि यह जो लोन है वो ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, गवर्नमेंट हो या फिर इसके अलावा अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी लोन है वो बेसिकली प्रोवाइड है वो किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो है फिलीपींस में, फिलीपींस के जो क्या है मनीला कैपिटल वहाँ पे। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा एक इंडेक्स जारी किया जा सकता है जिसका नाम है क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी का इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या AIIB। वहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में
रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है जी फोर कंट्रीज के बारे में। देखो जी फोर अभी कंटेक्स्ट या रिसेंटली कि जी फोर कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग हुई और उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जल्द से जल्द रिफॉर्म है वो लाए जाएँ, उसके लिए रिव्यू वगैरह किया गया था। तो कंटेक्स्ट वैसे कुछ इतना दमदार नहीं है बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी फोर। जी फोर कंट्रीज का मतलब है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये बेसिकली चार कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलके जी फोर ग्रुप बनाया। इसका मेन मोटो ये था जी फोर ग्रुप का कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्थायी और अस्थायी मतलब परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं ना इनकी संख्या में इजाफा किया जाए, मतलब इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। अब देखो बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, ये बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पीस और सिक्योरिटी है इसके लिए काम है वो करता है। तो इन चार कंट्रीज के द्वारा ये कहना है कि देखो पहले के टाइम पे जो पांच कंट्रीज के पास परमानेंट सीट है वो तो ठीक थी बट आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में अगर पीस और सिक्योरिटी लेके आनी है तो इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाहे वो परमानेंट ले लो चाहे वो नॉन परमानेंट ले लो, सबकी संख्या में बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए, मतलब चेंजेज होने चाहिए। तो इस चीज़ के लेके समर्थन है वो करते हैं और बेसिकली चारों कंट्री एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि हाँ भाई इस कंट्रीज को मान्यता देनी चाहिए, इस कंट्रीज को सीट है वो मिलनी चाहिए। अब बात ऐसी है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि इतना आसानी से तो काम नहीं होगा, तो कुछ एक ऐसा ग्रुप भी है कि जो कि जी फोर के अपोजिट या जी फोर को काउंटर करने के लिए बनाया गया। कौन सा ग्रुप है? वो है कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है। देखो कॉफी क्लब में वैसे तो काफी सारी कंट्रीज हैं बट आपको मोटा मोटा बताऊं तो पाकिस्तान और इटली हैं वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट है, वो मैक्सिमम करती हैं। तो मतलब जी फोर कंट्रीज ये चाहती हैं कि भाई एक दूसरी जो चारों कंट्रीज हैं इनको स्थायी या अस्थायी सीटों के आधार पर मतलब तवज्जो है वो दी जाए या इनको चेंजेस किए जाएँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों में। वहीं कॉफी क्लब की कंट्रीज है वो चाहती हैं कि भाई इनको स्थायी सीट वगैरह नहीं मिले, इसके लिए काम है वो करती हैं। तो यहाँ पे कॉफी क्लब के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है और जी फोर के बारे में भी ध्यान है वो रखना है। अब एक बार हम थोड़े से आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज के बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके आंसर प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं। पहला क्वेश्चन है वो आपसे है नीला कुरंजी प्लांट के बारे में। दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो नीला कुरंजी प्लांट को लेकर पहला स्टेटमेंट ये है कि नीला कुरंजी प्लांट है वो हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है और इंडेमिक है, हिमालयन क्षेत्र में पाया जाने वाला इंडेमिक है, पहला स्टेटमेंट हो गया ही। सेकेंड है स्टेटमेंट वही है कि 12 साल में एक बार इसको फूल है वो खिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोलर पार्कर प्रोब के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि सोलर पार्कर प्रोब जो मिशन है वो सन की इनर कोर को स्टडी करने के लिए मतलब बनाया गया है। सोलर पार्कर प्रोब मिशन सन की इनर कोर की स्टडी के लिए बनाया गया है, पहला स्टेटमेंट हो गया ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि सोलर पार्कर प्रोब है वो नासा का एक मिशन है। अब आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है या फिर जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड है वो करवाएं ताकि आपका रिविजन है वो भी साथ साथ होता रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव को लेके। देखो अभी गवर्नमेंट ने हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव है वो स्टार्ट है वो किया है। आपको पता कि हॉर्नबिल एक पक्षी है जो इंडिया के काफ़ी एरिया में बेसिकली पाया जाता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी खासी है उस वाले एरिया में, और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हॉर्नबिल का काफ़ी अहम योगदान है वो होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने वॉच इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटो यह है कि जहाँ भी आप हॉर्नबिल को देख रहे हो उसके बारे में एक वेबसाइट तैयार की गई है, उस वेबसाइट पे आप उसका स्टेटस अपडेट करो कि हाँ भाई मैंने हॉर्नबिल है यहाँ पे देखा है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक डाटा आ जाएगा कि भाई इन इन एरियाज में हॉर्नबिल है वो पाया जा रहा है। जैसे कि मान लो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी किसी ने हॉर्नबिल देखा तो वो बता देगा कि हाँ भाई मैंने दिल्ली में देखा है, मैंने यहाँ पे दिल्ली के इस एरिया में देखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास एक स्टेटस अपडेट हो जाएगा और गवर्नमेंट एक सर्वे सा भी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हॉर्नबिल है वो कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कैसा पाया जा रहा है। अगर पॉसिबल हो तो आप वहाँ पे इमेज भी अपलोड है वो कर सकते हो। बेसिकली देखो हॉर्नबिल है उसकी 9 स्पीसीज हमारे देश में पाई जा रही हैं बट 9 में से 4 जो स्पीसीज हैं वो तो अकेले वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में वेस्टर्न घाट है उसमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए वहाँ पे स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा पाई है हो जाती हैं।
बट एक अहम भी है, वो है नारकोंडम हॉर्नबिल। ये जो नारकोंडम हॉर्नबिल है, ये बेसिकली अंडमान निकोबार के पास में ही एक आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड, वहाँ पे पाया जाता है। मतलब केवल उसी आइलैंड पे ही पाया जाता है, इंडेमिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नारकोंडम हॉर्नबिल है वो एक इंडेमिक स्पीसीज है, जो कि अंडमान के आइलैंड है नारकोंडम, वहाँ पे पाया जाता है। और ये IUCN की जो इंडेंजर्ड लिस्ट है प्रोटेक्शन के लिए, उस लिस्ट में बेसिकली नारकोंडम हॉर्नबिल को शामिल किया गया है। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट की हेल्प से, ताकि एक डाटाबेस तैयार की जा सके कि हॉर्नबिल कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, और उससे काफ़ी कुछ बायोडायवर्सिटी के बारे में चेंजेस वगैरह किए जा सकते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यह लॉन्च किया गया था साइंटिस्ट फ्रॉम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट जो है एक कंजर्वेशन फाउंडेशन, उसकी कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड सॉरी कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, उसकी हेल्प से बेसिकली इसको स्टार्ट है, लॉन्च है, वो किया गया है। अब देखो, हॉर्नबिल क्या करते हैं? ये बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके बीजों वगैरह को खा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर है वो करते हैं। तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, और इकोसिस्टम में इनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहता है। तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में। देखो, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही बन जाता है, जैसा कि UPSC पूछती है उसी लेवल पे, कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, रिसेंटली न्यूज़ में है, किसके द्वारा यह इनिशिएटिव है या किसके द्वारा यह फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा है, जो कि भी इंडिया के लिए लॉन्च है, वो किया गया है। अब होगा क्या इसमें, वो हम देखते हैं। देखो, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, इसमें बेसिकली हमारे देश के जो सिस्टम है ना, उसको सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छा बनाया जाएगा। मतलब हमारे देश के सिस्टम, या आप बोल सकते हो कि जो प्रशासन होगा, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करने के लिए, सिस्टमेटिक ढंग से काम कर सकें, ये काम करने के लिए बेसिकली कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है वो काम करेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई ये तो फिर काम कैसे करेगा, सिस्टमेटिक तो बनाना है, ओब्वियसली सभी को पता है, बट कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको। इसके लिए देखो, मेन बात ये, हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो, बात ऐसी है कि वर्ल्ड बैंक के दो इनिशिएटिव हैं, हम दो मेन मोटो हैं। एक मेन मोटो तो है पुअर्टी, मतलब गरीबी को ख़त्म करना, ऑल ओवर वर्ल्ड से। दूसरा है कि प्रोस्पेरिटी को अचीव किया जा सके, मतलब कि साझा समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या हो गया कि भाई एक तरीके से चारों तरीके, हर तरफ से विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो रहा हो, सोशल डेवलपमेंट ही हो रहा हो, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी वगैरह नहीं हो। तो इन दो चीज़ों की तरफ वर्ल्ड बैंक का वो बेसिकली फोकस है, वो करता है। अब वर्ल्ड बैंक इन दो टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है, हर कंट्रीज़ की जो मतलब डिमांड हो गई है, उस कंट्रीज़ के मुताबिक बेसिकली प्लान एंड पॉलिसी में हेल्प है वो करता है, कि भाई इस वाले एरिया में ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है तो हमें इस पर फोकस है वो किया जा सकें। तो अभी उसने रिसेंटली क्या किया, सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक SCD, ये बेसिकली इंडिया के लिए लॉन्च किया। ये सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक है, इसमें होगा क्या, इसकी हेल्प से इंडिया की जो मेन चैलेंजेज है ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मतलब कि इंडिया के सबसे बड़े इश्यूज़ हैं क्या। देखो, हर कंट्रीज़ के अलग अलग इश्यू होते हैं। जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा इशू क्या है, एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, दूसरा करप्शन है। हर कंट्रीज़ की अलग अलग डिमांड होती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे अलग तरह के इशूज़ हैं वो होते हैं। तो मतलब ये क्या करेगा, सिस्टमेटिक कंट्री जो डायग्नोस्टिक है, ये बेसिकली इंडिया के जो मेन मेन चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड बैंक एक डाटाबेस तैयार कर लेगा कि भाई इंडिया की प्रॉब्लम बेसिकली ये हैं। इसके बाद में होगा क्या, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मतलब कि CPF, इसकी हेल्प से उन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, और जो मेन दो टारगेट रखे गए हैं उनको अचीव करने की तरफ फोकस है वो किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक है, उसकी हेल्प से इंडिया के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस करेगा, ताकि जो वर्ल्ड बैंक के गोल्स हैं या फिर इंडिया डेवलप है वो हो सके, हर तरफ से इंडिया की ग्रोथ है वो हो जाए। ये बेसिकली सारा कंटेक्स्ट और सीन हमने अच्छे से डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, थोड़ा हम इसे देख लेते हैं, स्पेशली इससे थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे कि ये मान लो कोई भी इन्वेस्टर है, ये मान लो कि मुझे इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में, शेयर मार्केट में हो या फिर बॉन्ड वगैरह में कहीं भी। अब देखो, मुझे ये तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता हो कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ पे लॉस हो सकता है, ये वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूँगा,
मैं किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा या फिर ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसको कि पता हो। जैसे कि हम कई बार पूछताछ नहीं करते यार, मुझे कोचिंग करनी है, मैं कहाँ से करूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है वगैरह वगैरह। तो वैसे ही मैं एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन या मतलब इधर उधर लोगों से पूछताछ करूंगा कि मुझे भाई इन्वेस्ट करना है, कहाँ ज़्यादा सेफ रहेगा, कहाँ ज़्यादा मुझे रिटर्न वगैरह मिलेगा। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से डीलर टाइप के होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो करवा देते हैं और कुछ बदले में थोड़ा फीस वगैरह आपसे ले लेते हैं। क्योंकि देखो, आपको पता है ऑब्वियसली सोशल सर्विस तो नहीं कर रहा होगा, अगला भी जो मीडिएटर है वो कुछ ना कुछ पैसे तो लेगा। जैसे कुछ लोग बीच में आप बोल सकते हो उन्हें दलाल या कुछ भी बोल लो, मतलब किसी डीलर टाइप के लोग हैं वो क्या बोलेंगे, हाँ भाई ठीक है हम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, बट आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका हम 1% लेंगे, 2%, 3%, मतलब जितना भी वो फिक्स कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट ये है कि जो डीलर्स वगैरह का जो कमीशन है ना, कि वो 1% लेंगे, 2% प्रॉफिट है कितना लेंगे, वो सेबी ने भी फिक्स है वो कर दिया। मतलब सेबी ने उसकी गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं कि भाई इतना इतना ही आप ले सकते हो। अब देखो, बेसिकली आपको बताऊँ, जो बीच में मैंने आपको बताया कि डीलर वगैरह होते हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। मतलब वो एसेट होती है या जो पैसा होता है उसको मैनेज करने का काम है वो करती है। तो उन कंपनियों के लिए जो भी फीस वगैरह कितनी लेनी है उनको, वो अभी सेबी ने फिक्स किया है। और उसी फीस को बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, मतलब वो प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ले रहे हैं वो कहलाता है टोटल एक्सपेंसिव रेशियो। एक बार हम थोड़ा वापस देख लेते हैं, किसी भी पर्सन को इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, कोई डीलर टाइप के पास या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम ही है कि है जो भी कंपनीज होती हैं उनके बारे में डाटाबेस तैयार रखती है, इसको पता होता है कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है, किसमें कितना फायदा वगैरह है। तो उसी तरीके से कस्टमर के पैसे को इन्वेस्ट करवाती है। अब बीच में देखो इतना काम कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ तो पैसा लेगी, तो वो थोड़ा बहुत जो पैसा लेती है प्रॉफिट का वो बेसिकली कहलाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो उसी को लेके भी सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को गाइडलाइंस वगैरह जारी हैं वो की कि भाई आप इतना इतना प्रॉफिट वगैरह ले हो सकते हो। तो ये था टोटल एक्सपेंसिव रेशियो, इसके बारे में यूपीएससी बेसिकली पूछे हो सकती है। ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाना कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया में मल्टी स्किल पार्क है मध्य प्रदेश में डेवलप करने के लिए 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन है वो अप्रूव किया है। बेनिफिट ये होंगे कि इंडिया में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स है क्वालिटी वाली वो मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, बट दिक्कत यही है कि लोग बेरोजगार इसीलिए हैं कि यहाँ पे कंपनीज की डिमांड के मुताबिक एजुकेशन और स्किल नहीं दी जा रही है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसा मैंने आपको बताया था कि स्कूली टाइम पीरियड के साथ साथ उनको एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे थोड़ा बहुत उस टाइम पर भी अपनी इनकम वगैरह कर सकें। आगे हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें केवल एशियन कंट्रीज ही मेंबर नहीं है, बाकी अदर कंट्रीज भी हैं। एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमने G4 कंट्रीज के बारे में जाना जो कि इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट को लेके एक्सपेंस या उनको बढ़ावा उनको फैलाने के लिए बेसिकली बनाया गया है। इसके काउंटर में ग्रुप बनाया गया है जो कि है कॉफी क्लब, जो कि बेसिकली इस चीज़ का विरोध है, वो करता है कि भाई इनको सीट है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान और इटली बेसिकली इसके दो मेंबर हैं। फिर हमने हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव के बारे में जाना जो कि एक मेन इनिशिएटिव है जिसके तहत हॉर्नबिल को अगर आप कहीं भी देखते हो तो उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके, एक डाटा तैयार हो सके कि हॉर्नबिल की स्पीसीज कौन कौन सी कहाँ पर पाई जा रही हैं और उसके कंजर्वेशन की तरफ फोकस है वो किया जा सके। इसके साथ ही हमने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में जाना जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इंडिया के लिए भी तैयार है वो किया गया। होगा क्या इसमें, इसमें बेसिकली सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक है, उसकी हेल्प से इंडिया के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके फिर जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसकी हेल्प से इंडिया के इश्यूज़ को निपटाए हो जाएगा। इसके साथ ही हमने टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाना जो कि बेसिकली एक तरीके से जो मीडिएटर होते हैं उनका कमीशंस होता है जो कि प्रॉफिट बेस्ड होता है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस ने वो किया था। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।